बना दे। देखिए तेज इसकी धार है, इश्क कहते हैं जिसे, वो मेरी तलवार है। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, कम से कम इस बार तो सच बोल देते। तुम किसी भी उम्र में आओ, हम तुम्हें पहचान लेंगे अलादीन। आपके मुंह से अलादीन बुरा नहीं लगता। गलतफहमी से ही सही, हम आपके आशिक तो हुए। तौबा तौबा, आजकल की शहजादियों से अल्लाह ही बचाए, जिसने जान बचाई उसे ही जाने को कह दिया। काश मेरी भी जान कोई ऐसे बचाता। मैं तो उसे कभी जाने नहीं देती। जीनी मीनी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मालकिन का हाथ छोड़ो, बेहयाई की दुकान। हाँ मालकिन, ये मेरे दिल की मालकिन है। मेरा मतलब है, मालकिन तो ये नाटक में है, असल में तो ये मैं इनका वो भाईजान। भाईजान, भाईजान, माफी माफी आका, वो दरअसल बात ही हुई कि सबके सामने इस लिबास में आपको भाई कहने की आदत सी पड़ गई है। अगर मैं कहना ये चाहता था, मैंने इस पूरे बगदाद को छलनी की तरह छान लिया है, अली और उसके घर वाले नहीं मिले। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि रास्ते का कांटा हट गया, बुरी इसलिए क्योंकि वो बहुत रईस था और हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए उसकी रईसी बहुत काम आती। बस थोड़ी सी जल्दी कर दी उसने शहजादी को ठीक करने में। मच्छर है चचा, ऐसे कोई किसी को मारता है? शहजादी वहां चैन से महल में सो रही होंगी और हम यहाँ जंगल में मच्छरों के साथ ताल से ताल मिलाए जा रहे हैं। हट गया। शुक्रिया। सुना था बगदाद की मेहमान नवाजी तो कम माल की होती है, आज देख भी लिया। घने जंगल में अंधेरे में आधी रात को मच्छरों के बीच में हम जंगली जानवर की गुफा में पड़े हैं। लेकिन गुफा में ही सही, कम से कम हम साथ तो है ना जीनी मीनी। बात को समझो, वो मनहूस सफर, उसका खेल बिगाड़ने के बावजूद उसने हमें जिंदा छोड़ दिया। जान बची तो लाखों पाए। क्या लाख क्या करोड़ आका, मुझे तो अली सिर्फ बातों का दौलतमंद लगता है, बड़ा शातिर समझता है ना अपने आप को। देखा क्या इनाम मिला? अब देखिएगा, बगदाद की तरफ पलट के देखने में भी 100 बार सोचेगा।
ना तख्त मिला ना दौलत। कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल कर रहा है उस अली के बच्चे को जमीन में गाड़ दे। थोड़े से लालच की चक्कर में सब कुछ हाथ से निकल गया। सब कुछ खोकर जीतने वाले को बाजीगर अली कहते हैं। लगता है आका को हार का सदमा पड़ गया। या अल्लाह, तूने इतनी कम उम्र में हमारे आका के साथ क्या कर दिया। तुम्हारा 1,500 साल का तजुर्बा मात खा गया चाचा, नहीं समझे। खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। तुम दोबारा शहजादी पर कोई अपना जादू करो। वजीर आला, बड़े बेअदब हो तुम्हें। इस वक्त हमारे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, पर आपके लिए किसी ने तोहफा भिजवाया है। तो तोहफा ही तो है, अंदर ले आओ। तुम्हें पता नहीं ये कितने आलसी हैं? मेरा मतलब है कितने थक गए हैं, अंदर लेके आओ। पर उस तोहफे को अंदर लाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? जफर को हम ऐसा तोहफा भेजेंगे जिससे कि वो परेशान हो जाएगा कि वो क्या करे, हमें ढूंढे या खुद को कोसे। अरे काम हमें खुद ही करना पड़ता है, किसी काम के लायक नहीं है सारी के सारी। इतना सारा सोना? वजीर आला, बदकिस्मती से आपके साथ सौदा करने का मेरा ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, पर आपने मेरे और मेरे घर वालों की इतनी खातिरदारी की कि हम आपको शुक्रिया कहे बिना कैसे चले जाते। मेरा शुक्रिया और ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। किस्मत ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त अली। हम हमेशा सोचते हैं अब्बू कि अगर आप ना होते तो क्या करते। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपके बिना हम अकेले हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर वो अली ही है। मैं ठीक कह रही हूँ शहजादी, क्या आपको यकीन है? हाँ शहजादी, वो लड़का सिर्फ मेरे बेटे का हमशक्ल है। आपके और मेरे साथ किया हुआ ऊपर वाले का मजाक,
बस कुछ और नहीं, आप और मैं एक ही शख्स के लिए रोते हैं, बस रोने की वजह अलग अलग है। पर मुझे पता है शहजादी, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर आपका दिल जानता है कि अलादीन आपका मुजरिम नहीं है। आप एक माँ हैं खाला, और हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पर एक साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे शहजादी, मैं और आपकी आवाम आपके सही होने से बहुत खुश हैं। आप थक गई होंगी, ये हल्दी वाला दूध है आपके लिए, मैं चलती हूँ। सोना सोना हमें सोना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अका, सोना तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे पास चिराग है, आप कहिए आपके लिए गलीचा और गद्दा बिछवा दूँ। बदतमीज बदतमीज, सब के सब बदतमीज, इस पर्दे की तरह भी बदतमीज। हम इस सोने की बात कर रहे हैं, चलो इन ईंटों को गिनो और हमें फौरन बताओ कि कितनी ईंट है। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका कुल से मीठे, पता लगाता हूं कि कितनी है सोने की ईंट। हजार। कितनी? आका 2500। तुम्हारे जैसा हो वरना ना हो, जाते जाते ऐसी ईंट मारी, वो भी सोने की, और एक नहीं 2500। माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमने वो हमने तुम्हें जाने दिया नहीं। जो चला गया उसे भूल जाइए, जो सामने है उस पे गौर फरमाइए। तुम्हारे सबसे प्यारे लेकिन पकल के मारे चिराग के चिन्ह, ना सोचने की बात है
जो इंसान दूर उसकी मुलाकात में इतना सारा सोना हमें दे सकता है, अगर वो हमारा खास दोस्त बन जाए, हमें कितना सोना देगा जो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाबी देगा। आका, आपको अपने असली मकसद की पड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अली और उसका ये सोना दोनों नकली है। इंसान को परखने में वक्त लग सकता है, लेकिन सोने को परखने में वक्त नहीं लगता। ये सोना कितना असली है इसकी मालूमात मैं कल सुबह तक हो जाएगी। पर एक साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। किस्मत ने शहजादी के सर से उनके अब्बू का साया छीन लिया। अगर वो अलादीन को अपना गुनहगार मानती है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर किसी के मानने भर से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। खाला, आप और शहजादी दोनों अली के आने से परेशान होना। शहजादी को लगता है कि उनके अब्बू का कातिल अलादीन था, और आपको लगता है कि आपका बेटा बेगुनाह था। खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बेटी के शक को सच मानूं या एक माँ के यकीन को। मुझे बस इतना पता है खाला कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उस वजह से आप दोनों का दिल टूट चुका था, और अब अली के आने से वो पुरानी यादें ताजा हो चुकी। हाँ बेटी, पर इस अली की शक्ल के अलावा उसकी कोई भी बात मेरे अलादीन से नहीं मिलती। पता नहीं क्यों लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। आपने सही कहा खाला, शहजादी को भी यही लगता है, इसीलिए उन्होंने अली को बगदाद से जाने के लिए कह दिया है। वो तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। सच? जी। ये तो शहजादी ने बहुत अच्छा किया, इस अली की सीरत पर मेरे अलादीन की सूरत मैं भी नहीं देख पा रही थी। कहां ये चालाक लड़का और कहां मेरा सीधा साधा अलादीन। आका, आका, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में भूसा कम पड़ गया था ना, इसलिए वो ही ला रहे हैं। ओ चचा, गेजा गरम मत करो। हाँ ठीक ठीक बताओ क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं पता, मेहमानों के आने की तैयारी। मेहमान? रूठे हुए दोस्तों को मिलाने की तैयारी। दोस्त? बकरे को कुर्बान करने से पहले उसकी खातिरदारी की जाती है, उसी की तैयारी। मेहमान, दोस्त, बकरा, साफ साफ बताओ ना आका, हो क्या रहा है?
समझने वाले समझ गए, जो ना समझा वो भिखारी है। भिखारी नहीं चाचा, अनाड़ी होता है। अपने 1,500 साल पुराने तजुर्बे पर कुछ तो लिहाज करो। चलो तुम इतना तो समझ गए ना झुमरू। यह झुमरू बदमाश, तो हम बदमाशों के बाप। हे या मौला, बना दे हमें एक रस्सी वाला सांप। री गा मा डर क्यों रहे हैं भाई? सलाई नान कटाई चाचा तई कुछ भी कहना, लेकिन भाई मत कहना कि नहीं नहीं, और डरू नहीं तो और क्या करूं, ये सांप मेरे पीछे पड़ गया है। अल्लाह ने आंखें दी हैं तो उनका इस्तेमाल तो करो। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये सांप नहीं रस्सी है। देखो। चाचा टोली तैयार हो जाओ। ये गुफा नहीं अली का जाल है जफर, जिसपे तू बड़ी बुरी तरह से फंसने वाला है। पिछली चाल तूने चली थी, अब मेरी बारी है।